हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अ न्यू रेसिपी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी दही भापा हिलशा फिश रेसिपी साउथ इंडियन फ्लेवर्स के साथ। आज की इस डिश को मैं कंबाइन करूंगी और सर्व करूंगी गरम राइस के साथ। स्टेप बाय स्टेप अच्छे से पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वीडियो प्लीज़ एंड तक एंजॉय कीजिए और घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिफोर आई स्टार्ट दिस रेसिपी आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद प्लीज़ अपने यूट्यूब पे जाइए और मेरे चैनल की नाम सर्च कीजिए जो कि है शॉपने तिलोत्तमा कुकिंग एंड ब्लॉगिंग चैनल। आपको मेरी चैनल की पेज कुछ इस तरीके से दिखेगी। अगर नहीं हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर चली जाए और मेरी वीडियो ऑप्शन में जाके जो भी वीडियो आपको पसंद आ रहा है उसको एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने ले लिया है कुछ हिलशा फिश। मैरिनेट करूंगी हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक, दही और मस्टर्ड सीड्स पेस्ट और सरसों के तेल के साथ। क्वांटिटी आप जितना फिश लेंगे उस हिसाब से ले लीजिएगा। इधर मैंने एक टीस्पून करके सारी मसाले ले लिया है, एक बड़ी चम्मच मस्टर्ड सीड्स पेस्ट ले लिया है, 3-4 बड़ी चम्मच दही ले लिया है और एक छोटी चम्मच सरसों का तेल ले लिया है। अब अच्छी तरीके से मिक्स करके 30-40 मिनट्स के लिए हम ढक के रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। तब तक सारी मसाले अच्छे से फिश के अंदर चली जाएगी और आगे की कुकिंग हम करेंगे। थर्टी मिनट्स के बाद हम लौट रहे हैं। अब फिश जो है अच्छी तरीके से मैरिनेट हो चुका है। गैस ऑन करके हम चढ़ा देंगे एक कढ़ाई जिसमें हम स्टीम करना चाहते हैं और दे देंगे रिक्वायर्ड पानी। बीच में अगर पानी सूख जाएगा तो हम फिर से पानी ऐड करेंगे और एक स्टैंड दे देंगे कढ़ाई की एकदम टच में। हम बोल को नहीं रखेंगे। इधर मैं हीट प्रूफ कंटेनर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप एल्युमिनियम और स्टील की कोई कंटेनर ले लीजिएगा और एक एयर टाइट लीड के दौरान ढक दीजिएगा, नहीं तो एल्युमिनियम फॉइल के साथ। मीडियम हीट पे 30 मिनट्स कुक करेंगे। 30 मिनट्स के बाद हम लौटेंगे और चेक करेंगे करी जो है अच्छी तरीके से नमक है कि नहीं। नमक की ज़रूरत पड़े तो ऐड करेंगे और फिश को चेक करेंगे अच्छी तरीके से टेंडर कुक हो गया है कि नहीं। इधर मेरा जो फिश है वो अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। अभी हम निकाल लेंगे कढ़ाई में से। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बोला कि इस डिश को मैं साउथ इंडियन फ्लेवर्स के साथ कंबाइन करूंगी, जिसके लिए हम अभी तड़का लगाएंगे। एक बड़ी सी स्पून में हम ऐड करेंगे सरसों का तेल, सरसों का सीड्स, कुछ करिया पत्ता, एक लाल मिर्ची, थोड़ा सा गरम करने के बाद एकदम एंड में हम ऐड करेंगे लाल मिर्ची पाउडर जिससे एक अच्छा सा कलर आएगा। अच्छी तरीके से मिलाने के बाद तुरंत ही हम इस तड़के को ऐड करेंगे कढ़ी में और ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में करी में अच्छी तरीके से ये फ्लेवर्स आ जाएगा और हम गर्मा गर्म राइस के साथ सर्व करेंगे। मेरा आज का रेसिपी यही तक था। मैं आशा करूंगी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को। फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।